फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निधि ठाकुर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी, कमरक की चटनी। और कमरक के फ़ायदे तो आप सभी जानते ही हैं, तो आइए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कमरक की चटनी हम कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, कमरक की चटनी बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कमरक की चटनी बनाने के लिए सबसे हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है कमरक। आप देख सकते हैं मैंने 4 कमरक लिए हैं। पुदीना, हरा धनिया, 8-10 कलियां मैंने लहसुन की ली हैं, 2 हरी मिर्च, 1 टुकड़ा अदरक का, जीरा और नमक। सबसे पहले हम कमरक को काटेंगे। इस तरह से इसको काटेंगे और ये जो इसके ऊपर वाली परत है इसको भी हम इस छिलके को हम निकाल देंगे। हम इसको इस तरह से राउंड शेप में कट कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे कमरक को काट लेंगे। कमरक को हमने कट कर लिया है, अब हम इनको मिक्सी में डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। हरा पुदीना जिसको मैंने पहले ही अच्छी तरह से धोके ले लिया है, 2 हरी मिर्ची, मिर्ची को हम इस तरह से कट कर लेंगे, अदरक, लहसुन और हरा धनिया इसको हम मोटा मोटा काट लेंगे। इसमें ऐड करेंगे जीरा, 1.5 चम्मच मैंने जीरा ऐड किया है, 1 चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब हम इन सबको मिक्सी में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है ये। अब मैं इसमें ऐड करूंगी चीनी, 2 चम्मच मैंने इसमें चीनी ऐड की है। इसको ग्राइंड करते हुए मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया था। अब हम इसको एक बार फिर से अच्छी तरह से पीस लेंगे ताकि चीनी जो इसमें वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, हमारी जो कमरक की चटनी है वो बनकर तैयार है, ये देखिए। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी जो कमरक की चटनी है वो कितनी जल्दी तैयार हो गई है। तो देखा आपने कि किस तरह से हम इस चटनी को बहुत ही आसानी से और कितनी जल्दी अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसकी गार्निश जो है वो कमरक के एक पीस से करूंगी। ये देखिए, तो फ्रेंड्स हमारी चटनी है वो खाने में भी बहुत टेस्टी है और देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।